नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बात गेस्ट टीचर्स की होगी। एक तरफ गेस्ट टीचर्स लगातार सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हुए हैं, आक्रोश तेजी के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बयानबाजी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि गेस्ट टीचर्स ही अब कटघरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। गेस्ट टीचर की समस्या क्या है और गेस्ट टीचर की समस्या का समाधान कैसे हो, उसको लेकर अब सरकार ही कंफ्यूजन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि गेस्ट टीचर्स के साथ बातचीत जारी है, तो दूसरी ओर इसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला कहते हैं कि गेस्ट टीचर्स बातचीत के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर सियासी स्टंट किया जा रहा है, किस तरह की बयानबाजियां की जा रही, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पक्की नौकरी देने का वादा कच्चा निकला। इस वादा खिलाफी ने 15 युवाओं पर बेरोजगारी की तलवार लटका दी। सत्ता मिलने के बाद सियासी बोल बदल गए और उसी का परिणाम है कि गेस्ट टीचर्स का गुस्सा अपने उफान पर है। गेस्ट टीचर्स सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है, लेकिन सियासतदानों के पास मानो हर दिन कोई नया बहाना है। कभी बयान आता है हम गेस्ट टीचर्स के साथ हैं और गेस्ट टीचर्स की समस्या का समाधान निकाला जाएगा। गेस्ट टीचर इन नौजवानों के साथ बहुत विश्वासघात किया और उसकी सजा हमारी सरकार को भी मिल रही है और इन बेचारे अतिथि अध्यापकों को भी मिल रही है, परंतु हमारा इनसे वादा है कि हम इनके समस्या का समाधान करेंगे। तो फिर बयान आता है हम करें तो आखिर क्या, मामला अदालत में है, कानून ही कुछ करेगा। कि राहत कोई कोर्ट दे सकता तो दे सकता है, सरकार उस पर राहत दे नहीं सकती है। हम भी कुछ कोर्ट के नियमों से, उनके निर्णयों से बंधे हुए कभी हम कुछ करेंगे का बयान तो कभी सब कुछ कानून करेगा वाला बयान, बड़ी असमंजस की स्थिति है साहब। कोई इन बयानों के मायने भी निकाले तो आखिर क्या। खैर, अब तक ज्यादातर बयान यही आते रहे कि बातचीत जारी है, मामले को सुलझा लेंगे, लेकिन अब एक ऐसा बयान आया है जिसको सुनकर आप भी शायद एक बार के लिए तो यकीन न कर पाए। जी हाँ, प्रदेश बीजेपी के प्रधान सुभाष बराला का कहना है कि गेस्ट टीचर्स बातचीत करने के मूड में ही नहीं है और गेस्ट टीचर्स ने सही प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज ही नहीं उठाई। लाल जी के नेतृत्व में रही, अब गेस्ट टीचर का विषय जैसे आपने उठाया, गेस्ट टीचर का मामला जो पिछली सरकार है उस सरकार की देन कोर्ट में विषय है और इस विषय के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी बात कहूं तो गेस्ट टीचर किसी भी सरकार में किसी भी सूरत में सरकार के साथ बातचीत के लिए अभी तक नहीं आए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको निमंत्रण दिया कि सरकार जो कर सकती है वो करेगी एक संविधान के दायरे में, क्योंकि मामला कोर्ट का है तो उनकी तरफ से भी तो बात आनी चाहिए। तो ये मुद्दा, एक गेस्ट टीचर का मुद्दा, मैं मानता हूँ कि पिछली सरकार की देन, हम कैसे इस मामले को सुलझाएं, हमारी सरकार का केवल यही प्रयास। सुना आपने, कैसे वादा खिलाफी के बाद उठे पूरे विवाद का ठीकरा एक झटके में गेस्ट टीचर्स पर ही फोड़ गए बराला साहब। इस मौके पर वो सियासी कार्ड खेलने से भी नहीं चुके और कह गए कि पूरा विवाद पिछली सरकार की देन है, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि सत्ता में आने से पहले इनकी ही पार्टी ने गेस्ट टीचर्स से पिछला पूरा विवाद सुलझाने का वादा किया था। बेहतर तो हाकिम बात फरियाद क्या करना, मैं आप में से एक हूँ और मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूँ कि 4-6 महीने की बात, आने वाला समय आपका है। हमारी सरकार बनते ही सरकार के कई आने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे और इनका पीछे का जो 8 साल का 7 साल का 6 साल का जो एरियर बनता है वो। खैर, बात अगर ताजा बयान की करें तो भी बराला की बात गले नहीं उतरती।
गेस्ट टीचर सीएम से लेकर मंत्रियों तक मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही गेस्ट टीचर्स का ये भी आरोप है कि सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुला ही नहीं रही। गेस्ट टीचर्स को सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। तीन हमारे जो भाई बहन हैं, वो दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और कई अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से ये हाहाकार मचा हुआ हरियाणा में, और अब भी सरकार की तरफ से हमारे कोई भी सांत्वना पूर्वक कोई भी सहानुभूति या कोई भी आदेश नहीं मिला है। जाहिर है बराला के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि 6 महीने से बातचीत का दौर जारी है और मामले का हल निकाल लिया जाएगा, तो दूसरी ओर बराला साहब कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर्स तो बात करने के मूड में ही नहीं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई गेस्ट टीचर्स बातचीत करने को तैयार नहीं, या फिर बराला का ये बयान इस पूरे विवाद का ठीकरा गेस्ट टीचर्स के रवैये पर फोड़ने की एक नई सियासी चाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रवक्ता अजय लोहान हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अजय जी, जो बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दिया है, उन्होंने कहा कि जो गेस्ट टीचर्स हैं दरअसल वही बातचीत के लिए तैयार नहीं है। कई दफा मुख्यमंत्री साहब ने बातचीत का न्योता गेस्ट टीचर्स को दिया है, क्या ऐसा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, हमें अभी तक किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं मिला है। और सुभाष बराला जी को तो मुख्यमंत्री के साथ उनका कोई मुख्यमंत्री जी अजय जी, आपसे एक बार हम फिर से जुड़ेंगे, आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर हम आपसे जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो मामले पर अलग अलग बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब कुछ और बोलते हैं, शिक्षा मंत्री साहब कुछ और बोलते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बात करते हैं, तो गेस्ट टीचर्स को लेकर सरकार इतनी कंफ्यूज क्यों है, ये सवाल अब उठ रहा है। अलग अलग बयान गेस्ट टीचर्स की समस्या के समाधान के लिए दिए जा रहे हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि बातचीत जारी है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब कहते हैं कि सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए, मामला कोर्ट में है इसलिए कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। तो वहीं आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने तो इस समस्या का ठीकरा कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर्स पर ही फोड़ने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स ही बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है, क्या सरकार या गेस्ट टीचर आखिर बातचीत से भाग कौन रहा है? क्या वाकई बातचीत को तैयार नहीं है गेस्ट टीचर्स? सुभाष बराला और गेस्ट टीचर्स में से आखिर कौन सही? क्या गेस्ट टीचर्स पर ठीकरा फोड़ना चाहती है बीजेपी सरकार? विरोध से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं बीजेपी के नेता, क्या बातचीत बनी बीजेपी नेताओं का नया बहाना? आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेताओं के कैसे बोल बदलते रहे हैं, गेस्ट टीचर्स पर लगातार बयान बदल रहे हैं बीजेपी नेता। बराला ने गेस्ट टीचर्स पर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि बातचीत नहीं कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स। रामविलास शर्मा भी इस बाबत बयान दे चुके हैं। शर्मा के मुताबिक गेस्ट टीचर से बातचीत जारी है। हमारे साथ एक बार फिर गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रवक्ता अजय लोहान फोन लाइन पे हैं। अजय, आपकी आवाज उस समय ठीक नहीं आ रही थी, मैं फिर से आपसे जानना चाहता हूं, जो बात सुभाष बराला कह रहे हैं, एक तरफ शिक्षा मंत्री साहब कहते हैं कि बातचीत जारी है, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि बातचीत जो है उससे कुछ नहीं होगा, सरकार से आप उम्मीद ना रखें, अब प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं लेकिन बातचीत के लिए गेस्ट टीचर ही नहीं आते। जी, मैं आपको बता दूं, सरकार कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है, और हमारी पहली शर्त यही है कि जो हमारे साथी जेल के अंदर पड़े हैं पहले उनको जेल से निकालना होगा, और वही आगे सरकार से बातचीत करेंगे, और सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई बातचीत के लिए न्योता नहीं मिला। जी, आगे की रणनीति क्या हो गया? अजय लोहान, मैं आपसे जानना अगर चाहूं, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ टीचर जो हैं जिनको जेल में डाला गया, उनकी आप रिहाई की मांग कर रहे हैं, आगे किस तरह से दबाव बनाएंगे? रणनीति साफ है, सरकार सीधे हमसे बात करे, और पहली हमारी शर्त यही है जो हमारे साथी बेगुनाह साथी जेल के अंदर हैं पहले सरकार उनसे उनको रिहा करे। तो आप ये कह रहे हैं कि सुभाष बराला ने जो बयान दिया है वो दरअसल झूठ है, वही कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, कर रहे हैं, और मेरे को लगता है बीजेपी सरकार का हरियाणा में मुख्यमंत्री के साथ और सुभाष बराला जी का कोई तालमेल नहीं है, तालमेल की कमी है, साफ जाहिर हो रही है। इससे पहले भी अजय बहुत सारे बयान सामने आए थे, रामविलास शर्मा ने खुद बोला था कि बातचीत की जा रही है,
क्या आपको लगता है वाकई में इस मामले को लेकर सरकार के अंदर वो गंभीरता आ चुकी है, जैसा कि अलग अलग बयान इस संदर्भ में रोज दिए जा रहे हैं, आप लोग भी लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आपको लगता है उसका असर सरकार पर हुआ है या उस दिशा में सरकार कोई काम कर रही है, कोई संपर्क आपका हो पाया हो सरकार से किसी तरह का? नहीं, ये लोगों को साफ जाहिर हो रहा कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल हर काफी दिनों से शिक्षा में भी असर हो रहा है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई दिखाई नहीं। सरकार कितने दिन से हमने अनशन किया, कितने दिन आराम से शांतिपूर्वक ढंग से किया और हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे साथियों को जेल में डाल दिया गया। तो आपको नहीं लगता, हमें नहीं लगता है कि सरकार ने हमारे साथ कभी भी अच्छे तरीके से बात की हो, सिर्फ कोरे आश्वासन देकर सरकार सत्ता में आना चाहती थी, वो सरकार ने कर लिया। चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी नेता बीरेन चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ गए। बीरेन जी, एक तरफ बीजेपी के ही नेता उनके मंत्री रामविलास शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि बातचीत जो है वो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष सुभाष भराला ये बात कहते हैं कि गेस्ट टीचर्स जो है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं। बीरेन चौहान जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। तो गेस्ट टीचर्स या सरकार, बातचीत के लिए आखिर कौन भाग रहा है? इस सवाल उस बयान के बाद उठ खड़ा हुआ है जिसको कि प्रदेश अध्यक्ष सुभाष भराला ने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन गेस्ट टीचर्स ही बातचीत को तैयार नहीं। गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष भराला ने कहा कि सही प्लेटफॉर्म पर बात नहीं रख रहे अतिथि अध्यापक, सीएम के निमंत्रण पर भी बात करने नहीं आए गेस्ट टीचर्स। हमारे साथ फिर एक बार बीरेन चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, एक ही पार्टी, एक ही सरकार, दो बयान अलग अलग, एक कहते हैं कि बातचीत की जा रही है, दूसरे कहते हैं कि सही प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के लिए गेस्ट टीचर्स तैयार नहीं है। देखिए, आप किन बयानों का जिक्र कर रहे हैं पहले तो आपको बताना पड़ेगा, तब मैं आपको टिप्पणी करने की स्थिति में होऊंगा। जी, ये प्रदेश अध्यक्ष सुभाष भराला का बयान है, उन्होंने कहा कि सही प्लेटफॉर्म पर जो अतिथि अध्यापक है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत के लिए अतिथि अध्यापक लगातार सीएम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया गया, कई बार सीएम की तरफ से बातचीत करने के लिए अतिथि अध्यापकों को बुलाया गया है। एक तरफ ये बयान है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का वो बयान भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं गेस्ट टीचर से, बातचीत जारी है। देखिए, क्योंकि ये दो बयान कब कहां किस संदर्भ में दिए गए उसको जाने बिना और बिना फीडबैक लिए उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं जितना जानता हूं ये बात है कि सरकार ने कभी भी, सरकार की ओर से कभी संवाद के, बातचीत के दरवाजे न कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बंद किए गए और न ही गेस्ट टीचर्स के लिए। गेस्ट टीचर्स का मामला जिन पेचीदगियों में उलझा सबके सबको पता है, ये स्वयं गेस्ट टीचर्स भी जानते हैं कि उसको उलझाने में पूर्व की सरकार ही नहीं, इनके अपने कुछ साथी जिम्मेदार थे जो अदालत में गए। नहीं बीरेन जी, आप मुझे याद है आपसे कई दफा इस मसले पर हमारी बातचीत हुई है, आपने कहा कि सरकार इसको संजीदगी से देख रही है, कई शिक्षाविदों की, कई विशेषज्ञों की राय इस बाबत ली जा रही कि बीच का रास्ता का निकाला कैसे जाए। उस सर्कमस्टेंसेस में, उस माहौल के भीतर इस तरह का अगर सुभाष भराला बयान देते हैं कि बातचीत के लिए तो गेस्ट टीचर ही नहीं आ रहे, तो ये इंडिकेट करता है कि आप ठीकरा गेस्ट टीचर पर फोड़ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं सुभाष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उनके पास ऐसे जेन्युइन फीडबैक या इनपुट होंगे, उस पर सवाल नहीं उठाया। चलिए बीरेन चौहान जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए, इस मुद्दे को थोड़ा सा और आपसे जानेंगे, आप जो बात कह रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हमारे साथ कांग्रेस नेता होशियारी लाल भी होंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चल दूंगा सर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे तीन दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्यों में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो
कोई भी बीमारी जड़ से होगा उसका इलाज दे। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। और ब्रेक के बाद सियासत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात गेस्ट टीचर्स पर लगातार हो रही सियासी बयानबाजी की, सरकार और बीजेपी पार्टी की तरफ से अलग अलग बातें गेस्ट टीचर के संदर्भ में कही जा रही हैं। इनकी समस्या का समाधान कैसे, उसको लेकर अलग अलग बोल जो हैं वो निकल रहे हैं। सुभाष बराला का ताज़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर जो है वो बातचीत के मूड में नहीं है, सही प्लेटफॉर्म पर बात नहीं रख रहे हैं अतिथि अध्यापक। ये सही प्लेटफॉर्म क्या है, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सीएम के निमंत्रण पर भी बात करने नहीं आए गेस्ट टीचर्स। साथ ही साथ बराला ने फिर वही बात दोहराई जैसा कि तमाम बीजेपी नेता और मंत्री कर रहे हैं कि पिछली सरकार की देन है गेस्ट टीचर्स का विवाद विरासत में मिला है। कुछ दिन पहले वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बात रखी थी गेस्ट टीचर्स की समस्या का समाधान क्या हो इसको बताने के लिए, इसका जिक्र करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, बयानबाजी इस पर खूब हो रही है, अलग अलग बयानों को इस मुद्दे के ऊपर रखा जा रहा है। इससे पहले शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ये बात कह चुके हैं कि बातचीत जो है वो जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले बीरेन चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी भी हमारे साथ फोनलाइन पे। बीरेन चौहान जी, आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि किस सुभाष बराला का जो बयान आया है वो किस संदर्भ में, संदर्भ बिल्कुल सीधा साधा है। जब बात गेस्ट टीचर्स की होती है तो 4073 वो सरप्लस गेस्ट टीचर जिसका पिछली सरकार ने हलफनामा दायर किया था। हाँ, ये बात सही है, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि विरासत में समस्या आपको मिली है, लेकिन इसका समाधान कैसे हो, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रही सरकार, इसको बताने के लिए पब्लिक डोमेन में कोई नहीं आ रहा है। हाँ, इतना जरूर बताया जा रहा है कि गलती किसकी है। जी, सरकार इस मामले में या किसी भी महत्वपूर्ण मसले पर किस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है, हर बात और हर चरण में हर कदम पर वो मीडिया में सार्वजनिक रूप से कही जाए, ऐसा कभी आवश्यक नहीं होता न संभव होता है, इसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कल भी जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम समाधान के एक प्रयास में हैं, तो उस बात पर भरोसा किया जाना चाहिए। अब ये टिप्पणी करना निसंदेह मुझे, देखिए मुझे इस पर मुझको आपत्ति है कि सरकार और संगठन वो अलग अलग बात कर रहे हैं। हाँ। क्या आप नहीं जानते कि जिस तरह का मामला है, अदालत में वो विचाराधीन है, उस मामले में प्रतिपल कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। जिस समय सुभाष जी ने कहा या शिक्षा मंत्री जी ने कहा, वो अलग अलग समय हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। तो एक बात को और एक समय में दिए गए बयान को और कुछ देर पहले या बाद में दिए गए बयान को उसके साथ जोड़ करके और फिर मीन में निकालना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ठीक है, हमारे साथ गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रधान दिनेश भी फोन लाइन पे हैं। दिनेश जी, सुभाष बराला का बयान हाल ही में आया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स जो हैं, चलिए हम रामविलास शर्मा के उस बयान का जिक्र नहीं करते, हम सिर्फ सुभाष बराला के बयान का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सही प्लेटफॉर्म पर गेस्ट टीचर्स अपनी बात नहीं रख रहे हैं। हेलो जी दिनेश। ऐसे है सर, हम आंदोलन करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, सरकार बात नहीं करती, बुलाती नहीं, तो आप बताइए वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर बात रखी जा सके। हाँ,
हेलो जी जी, आपका सवाल हम समझ गए बीरेन चौहान जी, ये भी वाजिब सवाल है कि आखिर प्लेटफॉर्म क्या हो, इसको भी बताते चले तो सही रहेगा, इनको भी क्लियर हो जाएगा। हेलो बीरेन चौहान जी। हाँ जी बीरेन चौहान जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं सुन रहा हूँ सर। मैं तो बराला जी से पूछना चाह रहा हूँ कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पर बातचीत की जा सकती है? यही 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 के लिए वो बुलाते नहीं, यही हम ज्ञापन देते हैं, आश्वासन देते। दिनेश जी इसी सवाल को मैं बीरेन चौहान जी से पूछ रहा हूँ, बीजेपी नेता हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। बीरेन चौहान जी प्लेटफॉर्म क्या हो, अब ये सवाल कर रहे हैं गेस्ट टीचर, वो तो कह रहे हैं कि आपने बोल दिया कि प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हो रही, लेकिन प्लेटफॉर्म भी आप बताते चले तो क्लियर हो जाएगा, उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे गेस्ट टीचर भी। मैं ये कह रहा हूँ कि आंदोलनकारी गेस्ट टीचर से सब कुछ किया जो किसी आंदोलन में होता है, जो सरकार के खिलाफ इनको जो नारेबाजी करनी थी आंदोलन के अलग अलग अंदाज रूप जो इनको जिस दिशा में ये जा सकते थे इनका अधिकार है ये गए, उसके बावजूद सरकार ने कभी ये कहा हो कि हम आपका ज्ञापन नहीं लेंगे। हाँ। आप किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं सरकार में, सरकार ने ये कहा हो कि हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम सबकी सुनने के लिए तैयार हैं, परंतु मामले की पेचीदगियां सबको समझनी पड़ेंगी। ठीक है दिनेश जी, क्या सरकार दिनेश जी क्या जो पेचीदगियों की जिक्र यहाँ पर है, मेरा आखिरी सवाल है दिनेश जी से, क्या वाकई में आपको लगता है पेचीदगियां समझने की कोशिश जिस टीचर नहीं कर रहे हैं, पेचीदगियां समझने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है, कमी कहां पर है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से बातचीत नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए नहीं बुला रही है, समस्या क्या है? हम तो आपके पास, मैं महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ जी, चंडीगढ़ तक का 6 घंटे का समय लगता है। हाँ बराबर जी प्लेटफॉर्म नियुक्त कर ले, कहाँ पर बातचीत होनी है, ठीक है हम 6 घंटे के अंदर विद डॉक्यूमेंट्स बराबर जी के सुभाष बराला जी के पास होंगे, ये मीडिएटर बने, और अगर हम कहीं किसी पॉइंट पर गलत हो तो हम कह रहे क्लेम नहीं करेंगे, उसके बावजूद जो है आप बुलाए तो सही। मैं शिक्षा मंत्री जी को 2-3 बार ज्ञापन दे चुका, सीएम साहब से मिल चुके, इन्होंने तो रटी रटाई बात रख रखी है, नहीं ये कोर्ट का मामला है हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ उस समय जब चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में रखते हैं कि आपके पहली कलम से गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे, कोर्टों के अंदर पहले मुकदमे चल रहे थे हमारे पास, इनके तमाम बीजेपी के आला अधिकारी जाकर कहते हैं कि हमारी सरकार। चलिए दिनेश जी बहुत शुक्रिया, बीरेन सिंह चौहान आपका भी शुक्रिया। तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आपने बातचीत के लिए नहीं बुलाया, एक दूसरे पर बातचीत का बहाना बनाकर, प्लेटफॉर्म का बहाना बनाकर सवाल यही उठ रहा है, क्या बीजेपी सरकार बचना चाह रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या ठीक रहा उल्टा गेस्ट टीचर्स पर ही फोड़ने की कवायद में बीजेपी सरकार यहाँ नजर आ रही है। चलिए सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें